ऐसा मैसेज कि मरीज हो गया बेहोश। लोगों ने उड़ाया मजाक। भाषाएं अनेक और समस्याएं भी अनेक। जी हाँ, जीवन में कभी न कभी आपने भी इस मुश्किल का सामना किया होगा, जब सामने वाला किसी ऐसी भाषा में बोल रहा हो जो आपके बिल्कुल न समझ आ रही हो, लेकिन आपके लिए वो बात समझना भी जरूरी हो। ऐसे में सिर्फ बात का अंदाजा लगाया जाता है। चीन की एक नर्स ने अंग्रेजी न आने के कारण विदेशी मरीज को ऐसा मैसेज लिख कर दिया जिससे मरीज बेहोश हो गया और शायद आप भी हो जाए। दरअसल चीन में पढ़ने गया एक विदेशी छात्र बीमार होने के कारण चीन के ही किसी अस्पताल में भर्ती था। मजेदार बात तो यह है कि उसकी देखरेख एक ऐसी नर्स कर रही थी जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। हालांकि नर्स को इस बात का अंदाजा था कि विदेशी मरीज को उसकी बीमारी और दवाओं से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है। नर्स ने इसका हल निकालने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी कला का प्रयोग करके मरीज को चित्रों के द्वारा एक मैसेज लिखा, जिसके बाद इस चित्रों से भरे मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। और उसके बाद तो इंटरनेट पर नर्स की भाषा का अंदाजा लगाने वालों का भूचाल आ गया। अगर नर्स की भाषा समझी जाए तो उसका कहने का मतलब साफ था। मरीज की अगले सुबह सर्जरी और उसे रात को खाना और पीना मना था, लेकिन चित्रों द्वारा बनाया गया मैसेज इतना मजेदार है कि लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पाए। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से